नमस्कार। आज ऐतिहासिक दिन है स्टॉक मार्केट के लिए और भारत के लिए भी। 21 जनवरी 2021 जहां आज भारत का जो सूचकांक है, स्टॉक मार्केट का सूचकांक सेंसेक्स आज 50,000 का एक हद पार कर गया है, एक माइलस्टोन पार करके गया है। और 1979 में वो 100 का था, आज 2021 में 42 साल के बाद आज वो 50,000 के पार कर गया है। और आप इंडेक्स के जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंपनियां होती है वो आपको डिविडेंड देती है, उसको आप स्वीकार करते हैं तो करीब करीब आपको 70,000 रुपये का रिटर्न मिला है। तो 100 रुपये का निवेश जो आप स्टॉक मार्केट में करते हैं 1979 में, तो आपको 700 गुना 70,000 रुपये आप आज पाते। तो मुझे लग रहा है कि ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत के अंदर ये ऐसा स्टॉक मार्केट है कि जहाँ पर लोग भागीदारियों में, स्टॉक मार्केट के जो शेयर होते हैं वो भागीदारियाँ होती है, उसमें निवेश करते हैं और उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स बनता है कंपनियों में उस पर उनका हक बनता है। और जब प्रॉफिट्स कंपनियों का बढ़ता है तो उनको एक तरह से उनके जो शेयर के दाम भी बढ़ते हैं। इसी हिसाब से भारत की जो पिछले 40 सालों में प्रगति हुई है उसका एक प्रतीक है। और मुझे लग रहा है अगले 40 सालों में जो भारत की अभूतपूर्व प्रगति होने जा रही है, तो आपको भारत में और भारत की औद्योगिक प्रगति में हिस्सा लेना है, अपने आप की संपत्ति जो है उसको बढ़ाना है और सेफ सिक्योर तरीके से बढ़ाना है, तो आपको भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर कोई संपत्ति आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं बना सकते हो। लेकिन आपको टिप्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको टेलीविजन सुन के सुबह खरीद के शाम को नहीं बेचना है, आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा ज्ञात नहीं है आप, तो आप म्यूचुअल फंडों के द्वारा, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस लेकर के आप निवेश कर सकते हो। लेकिन निवेश जरूर करना है, सट्टा नहीं करना है, टिप्स पे ट्रेड नहीं करना है। धन्यवाद।